तो ये देखें यार, अब जाकर हम लोग पहुंच चुके हैं शतरंगा। और वाली फीलिंग आएगी ना यार, देसी स्टाइल से कल भी खाया था पॉक्सी के घर में। देखो दौड़ते हुए आ रही है चीते की तरह। गाइस अब जाकर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सतरंगा। वैसे मैंने बीच बीच में आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि यार वीडियो लंबा करने का कोई चाह रहा मतलब नहीं रहता, आप लोग देखते भी नहीं स्किप कर दे। तो बाकी यहाँ पे अभी हम लोग पर्ची ले लिए, देन चलते हैं आगे। यार अब जाकर हम लोग पहुंच चुके हैं शतरंगा और मैंने गाड़ी यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है। और ये देखो यार, ये कॉटेज यार क्या लग नहीं रहा है। अगर अंदर से इसका व्लॉग शूट किया जाए या वन डे अगर इस पर अपन स्टे किया जाए तो ऐसा लगेगा कि अपन कोई मतलब गोवा वाली फीलिंग आएगी ना। जस्ट इमेजिन एक बार गोवा वाली फीलिंग आएगी। बाकी यहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके हुए हैं, देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। यही एक सही से जगह मेरे को लगा तो खा लेते हैं यार पहले, उसके बाद चलेंगे आगे। और हो सके तो ना बोटिंग भी करेंगे, मम्मी को बोटिंग कराते हैं कैसा लगता है वो भी बताएंगे फिर। बाकी यार देसी स्टाइल से कल भी खाया था पॉप्सी के घर में, आज फिर से खाने को मिल रहा है देसी स्टाइल में। अपन पत्तल वगैरह में खा रहे हैं, ये बहुत रेयर आपको गाँव में ही ऐसा मिलेगा खाने को। बाकी सर तो फिर जान ही रहूँगा इस मिलता नहीं है। और अभी ये खाएंगे क्योंकि मैं ज़्यादा मंगा नहीं रहा हूँ, किसको तो वॉमिटिंग वाला प्रॉब्लम इसका फिर से चालू हो गया है। और पापा गए हुए हैं हाथ धोने। ले खाते हैं यार फिर आगे आप लोगों को दिखाएंगे। यार हम लोगों का खाना पीना सारा हो चुका है और बताऊंगा नॉट बैड यार। गांव का आपका एक अलग ही ट्रेडिशन था यार खिलाने का, वो आप यहाँ खा सकते हैं चाहेंगे तो 60 रुपये में। बाकी तो फिर अभी पापा गए हैं चिप्स लेने के लिए और इसके बाद चलेंगे आगे बोटिंग करने। वो आगे है एक, यहाँ पे भी है, यहाँ से भी जा सकते हैं। बट यहाँ पास क्या है ना, मोटर बोट होती है जो कि अराउंड 1500 रुपीज़ कॉस्ट करती है। तो भाई वो वर्थ इट भी तो नहीं होता ना, तो कोई मतलब नहीं वहाँ जाना। बाकी गाड़ी मैंने ठंडा करने के लिए गाड़ी चालू कर रखा है, फिर यहाँ से सीधे चलेंगे आगे। यार कब से हम लोग खड़े हैं वेट कर रहे थे, मुझे क्या लगा था यार वो वाली जो बोट है ना वो आ रही है, बट वो अभी जा रही है। और पता नहीं वो कम से कम आधे घंटे बाद आएगी, तो हम लोग सोच रहे कि ये जो है इसमें चले जाए। बिकॉज ना यार वेस्ट ऑफ मनी नहीं कर सकते क्योंकि जो है ना वो मोटर बोट वो दूर तो ले जाती है बट मुझे ना वो वर्थ नहीं लगता यार। बाकी गाड़ी मैंने यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है क्योंकि ना यार बहुत गर्म हो जाता है गर्मी। देख रहे हो कितना ज़्यादा फ्लो हो रखा है और बस थोड़ी थोड़ी ही सही लहरें चल रही हैं। और जब ये माहौल हो ना भाई, तो अपना जैकेट लेके आओ आपदा मित्र का और फुल फुल नहाओ यार। एक दिन ना आके ना पक्का आप लोगों को पक्का ये वाला जो कॉटेज है ना वहाँ के एक दिन नाइट स्टे दिखाएंगे आप। बट कुछ स्पेशल होगा तब आएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं। ठीक है देखो दौड़ते हुए आ रही है चीते की तरह मोटर बोट जो है फुल एकदम स्पीड से, हाई स्पीड भाई। वाह क्या सही है ना। आज मम्मी लोग और मेरे दीदी लोग बोल रहे थे कि तू मेरे साथ फ़ोटो क्यों नहीं लेता, तो मैं उनको बताया कि तुम लोग कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लायक नहीं हो, तुम लोग मेरे लेवल में नहीं हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस आज ना मूड नहीं था फ़ोटो लेने का। ऑलरेडी मैं इतने दिन बाद जो ब्लॉग कर रहा हूँ उसका टेंशन मेरे को जो खाए जा रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मुझे यहाँ तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रही भाई कि मैंने ना सही से ब्लॉग बना भी रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। बाकी अभी मम्मी लोगों का फ़ोटो चलता है, 2 मिनट के अंदर निकलेंगे, अपना नाव रेडी हो रहा है और जाएंगे यार। फिर आपको पानी का भी सीन दिखाएंगे, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा। यार हमारी बोट तैयार हो चुकी है, पहले मम्मी लोग बैठाते हैं फिर खुद बैठेंगे फिर चलेंगे और ये येलो वाले ऑरेंज वाले फ्लैग तक जाएंगे। चलो देख सकते हो अभी हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं। वैसे नाव लगती स्लो है यार लेकिन चलती बहुत स्पीड है और 10 किलोमीटर तो हो गई होगी। और एक और हमारे आगे भी जा रही है नाव, एक वो आ रही है और एक ये क्या और जा रही है, मतलब काफ़ी सारे एक साथ निकले हैं साथ में ही। मस्त गाना भी चल रहा है, ये सही था ना। चलो एक साथ इतनी सारी जब नाव एक साथ निकली ना तभी अच्छा लग रहा है, वैसे हम लोग अकेले होते तो उतना वीडियो भी नहीं बनता और अच्छा भी नहीं लगता। एक ग्रुप और तो था यार, अच्छा वो लोग रिटर्न जा रहे हैं कि आ रहे हैं, शायद आ रहे हैं। ये देखो अभी
इन्होंने बताया कि इसकी गहराई अप्रोक्स अभी यहाँ पर इस यहाँ पे 50 फिट तो है, तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा गहरा है भाई यहाँ पास। अगर मतलब किसी को तैरने नहीं आता उसका तो बॉडी भी ना मिले यहाँ पे, मिल जाएगा यार क्योंकि बॉडी फ्लो करता ना पानी आने के बाद। ये सब क्या बातें करें, ब्लॉग छोड़ आगे बढ़ते हैं, वो फ्लैग तक जाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, वहाँ से पहले जाएंगे, आ जाएंगे। और अभी तो सारे लोग चले गए हैं, एक हम ही लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं जो इतने आगे आए हुए हैं। बाकी यहाँ से आप लोग ये चेक करो यार कितना प्यारा लग रहा है ना। ना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो यार बहुत खूबसूरत है ना। चांद तो अभी से दिख रहा है, ये देखो ब्लरिंग ब्लरिंग ना। एक मोटर बोट अभी जा रही है, वो देखो। इतने दूर आ चुके हैं ना यार हम लोग अभी टापू को छोड़ के। यहाँ से भली आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा बट अभी हम लोग ना मिड तो नहीं बोलूँगा बट 10% तो कवर कर ही लिए हैं वहाँ टापू से। टापू तो खैर बहुत दूर है, और इतने दूर आने के बाद जो सुकून लग रहा है ना, मैं जान रहा था मोटर बोट से जाएंगे तो अपन को कुछ इंटरेस्ट होने वाला नहीं, बस यही रीज़न था कि अपन ही वाले बोट में। यहाँ पे 45 मिनट मिनिमम लग जाता है यहाँ से रिटर्न होने में आना जाना करके। और अभी सबके सब अपना फ़ोटो ले ही पड़े हैं, मैंने भी जितना लेना था बना ही लिया है। बहुत टाइम के बाद वो येल्लो वाली फ्लैग आप लोगों को दिख रही होगी यार, यार कहाँ गई, ये रही ये रही। यहाँ से अभी हम लोग अब जाके वापस अपने जहाँ से अपन ने डेस्टिनेशन से चालू किया था वहाँ तक पहुँचे, और अभी फ्लो ना कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो गाइस अब जाके अपना सफ़र ख़त्म हुआ यहाँ से नाव का, लग रहे हो यार। अब जाके हम लोग वापस आए और इतना ज़्यादा बढ़ गए अब तो। और बाकी अब हम लोगों का जितना भी कवर करना था हम लोग ने कवर कर लिया, अब यहाँ से सीधे चलेंगे। अब वो रही मेरी, क्या सही लग रही ना, ये कहाँ से आ गया ब्लैकी ब्लैकी। बाकी हम लोग ने नाव जो करना था बोटिंग वो हो चुका है, और यहाँ से चलेंगे सीधे। अब यार अब मिलेंगे आपको रास्ते में गाइस।